ना कुछ लेकने आयो बंदिया, ना कुछ लेकने जाना, खाना पीना नंद लेनी ओ गंभरीए, खाना पीना नंद लेनी। गंभरी का नाम सुनते ही बिलासपुर वासी गर्वान्वित महसूस करते हैं कि वह उनके जिले से संबंध रखती है। एक ऐसी अदाकारा जिसने बिलासपुर व हिमाचल का नाम पूरी दुनिया भर में खूब रोशन किया। तो आइए आज बात करते हैं लोक गायिका और नियंतंगना गंभरी देवी की। गंभरी देवी का जन्म हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले के बंदला गांव में दीपावली के महापर्व पर पिता गर्दितुराम और माता संती देवी के घर 1922 में हुआ। गंभरी देवी के घर में चार भाई और एक बहन थे, जिनमें गंभरी देवी सबसे बड़ी थी। पिता लोक गायक थे, इसलिए गंभरी देवी को लोक कला विरासत में अपने पिता से मिली थी। 8 वर्ष की बाल्य अवस्था में उसने गाना आरंभ कर दिया था और 12 वर्ष की आयु में स्टेज शो करना शुरू कर दिए थे। बल्कि उस जमाने के अनुसार लड़कियों को इस तरह से नाच गाने पर लोग काफी विरोध करते थे, लेकिन गंभरी देवी ने जमाने की परवाह किए बिना अपने काम को जारी रखा। गंभरी देवी हमेशा सामाजिक पराकाष्ठाओं से परे हटकर खुलकर मंच पर आई और अपना कला प्रदर्शन किया, जो उसकी नारी स्वतंत्रता का परिचायक था। दुर्भाग्यवश मात्र 13 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया और बाल्यकाल में ही उनका विवाह गिसौड़ निवासी संत से हो गया। लेकिन विवाह ज्यादा दिन नहीं चला और दोनों अलग हो गए। धीरे धीरे गंभरी देवी अपनी कला और अदायगी से सफलता के शिखर तक पहुंच गई। गंभरी देवी की आवाज में यदि जोरदार खनक थी तो नृत्य की मुद्राएं भी बेहद आकर्षक थी। जिस किसी ने भी गंभरी को देखा व सुना वही उसका प्रशंसक व कायल बन गया। यही कारण था कि लोग मीलों दूर हाथ में मसाले लिए गंभरी का कार्यक्रम देखने जाते थे, जिसके साक्ष्य उस समय के लोगों से मिल जाएंगे। गंभरी अनपढ़ जरूर थी, लेकिन उसकी रचनाओं में कहलूरी हिंदी व पंजाबी की झलक खूब दिखाई देती थी। कौड़ी कौड़ी बंदे माया जोड़ी, जोड़ी रखी बर्तन में, चलदी बारी कुछ नहीं मिलिया, रहगी मन की मन में। इस जिंदगी रा कोई ना भरोसा, इस जिंदगी रा कोई ना भरोसा, किस दिन देखा इसने धोखा। मेरी बुजुर्ग लोगों से बात हुई तो पता चला कि लोग गंभरी देवी को उसके हाथों में पैसे देना चाहते थे, लेकिन वो कभी अपने हाथों से पैसे नहीं लेती थी। तो लोग फिर भी पैसे उसकी तरफ फेंक कर कार्यक्रम का लुत्फ उठाते थे। गंभरी देवी ने जिला बिलासपुर के प्रसिद्ध नलवाड़ी मेले के लिए जो गाया वो नलवाड़ी मेले की याद यूं दिलाता है। फिरी गिरी देखना नलवाड़ियारा मेला, जेबा तो मारिया पैसा ना धेला, मौजा कने नचना और गाना, ओ गंभरीए खाना पीना नंद लेनी, ओ गंभरीए खाना पीना नंद लेनी। उसमें बसंता पहलवान पिस्तू के नाम से भी उनको जाना जाता था, कुश्ती के लिए काफी मशहूर थे। कुश्ती के साथ उन्हें नृत्य और लोक गायकी का भी हुनर था। वो कुश्ती भी हंसते खेलते लड़ते थे और साथ में नृत्य भी करते थे। उनका ये हुनर लोगों को खूब आनंदित करता था। कुश्ती करवाने वालों के घर में दिन में कुश्तियां और रात को लोक नृत्य कार्यक्रम होता था। बसंता पहलवान दिन में कुश्ती करते और शाम को गंभरी के कार्यक्रम का लुत्फ उठाते।
बाद में इन दोनों ने अंतर जातीय बंधनों को तोड़कर शादी कर ली। एक समय ऐसा भी आया कि गमरी देवी ने 15-20 वर्षों के लिए मंच छोड़ दिया, लेकिन 1988 में फिर से कला मंच से जुड़ गई और आखिरी दम तक जुड़ी रही। गमरी देवी ने जीवन के अंतिम पलों को इस तरह से शब्दों में पिरोने का काम किया। इस जिंदगी रा कोई ना भरोसा, इस जिंदगी रा कोई ना भरोसा, किस दिन देना इसने धोखा, पंछिया ने उड़ी जाना, मारी भी उन संजोगारी फेरी, सभी लोकां जो जय हिंद मेरी, जियोंदा रहोगे फिर मिलांगे, मरियाना गम ना मनाना, असियां सालारी उम्र जे हुई, असियां सालारी उम्र जे हुई, अजे भी देखो स्टेज पर खड़ोई, लोको एड़ी नी जमनी कोई गमरी, लोको एड़ी नी जमनी कोई गमरी, गमरिये खाना पीना नंद लेनी, ओ गमरिये खाना पीना नंद लेनी। जहां तक पुरस्कारों की बात है, राजा अनंत चंद ने गमरी देवी की कला को देखते हुए कई बार उन्हें सम्मानित किया। भाषा और संस्कृति विभाग ने 500 रुपए पेंशन प्रदान की। 2012 में भारतीय साहित्य कला और संगीत अकादमी दिल्ली द्वारा कोलकाता में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से नवाजा गया। 5 जनवरी 2013 को 95 वर्षीय लोक गायिका, हिमाचल की शान और बिलासपुर जिला की पहचान गमरी देवी का निधन हो गया। साथियों, बिलासपुर जिला के कलाकारों, रणबांकुरों, समाज सेविकों, साहित्यकारों के जीवन संघर्ष को आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि महान विभूतियों की जीवनियां हमारे बीच हमेशा जिंदा रहे। जय हिंद, जय हिमाचल।